इलेक्ट्रिक वाहन लेने का सपना अब नहीं रहेगा सपना, जल्दी ही सस्ते होने वाले हैं इलेक्ट्रिक वाहन। एक आम आदमी जब गाड़ी खरीदने का सपना देखता है तो कई बार पेट्रोल डीजल का खर्च उसके सपने में रुकावट बन जाता है। ऐसे में उसे इलेक्ट्रिक वाहन उम्मीद की किरण के तौर पर नजर आते हैं, मगर यहां भी एक बड़ी दिक्कत है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन भारी कीमतों की वजह से अभी तक आम आदमी की पहुंच से दूर है। इन भारी कीमतों के पीछे एक बड़ी वजह इन वाहनों में इस्तेमाल होने वाली महंगी बैटरी होती है। जैसे कि मौजूदा वक्त में एक मिड रेंज कार की 40 किलोवाट आवर के आसपास की बैटरी को बदलने की कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपए मानी जा रही है। ऐसे में सोचिए, अगर बैटरी की कीमत कम हो जाए और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते मिलने लगे तो इसी सवाल और उम्मीद के जिक्र में नाम आता है सोडियम आयन बैटरी का। अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्केट में लिथियम आयन बैटरी का दबदबा रहा है, मगर अब इंडस्ट्री की निगाहें सोडियम आयन बैटरी पर टिकी हुई हैं। इसकी कई वजह हैं, जैसे कि लिथियम कुछ ही देशों में उपलब्ध है, लिथियम को निकालने का प्रोसेस भी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसमें काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में रिलीज होती है। लिथियम माइनिंग में टॉक्सिक कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं जिनका आसपास के इलाकों पर भी असर पड़ता है। लिथियम अपेक्षाकृत तौर पर महंगा भी है, इससे बनने वाली बैटरी में धमाके या फिर इनमें आग पकड़ने की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। दूसरी ओर सोडियम के साथ इस तरह की ज्यादा दिक्कतें नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लिथियम आयन बैटरी के साथ जब कई तरह की दिक्कतें जुड़ी हुई हैं, तो अब भी मार्केट में इनका दबदबा क्यों है? इसकी दो बड़ी वजह है, हाई एनर्जी डेंसिटी और परफॉर्मेंस। इसलिए इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो रहा है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन जो एक बार की बैटरी चार्जिंग में अच्छी खासी दूरी तय कर सके। मगर ज्यादा सेफ्टी और कम कॉस्ट जैसे फैक्टर्स की वजह से अब सोडियम आयन बैटरी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आमतौर पर सोडियम आयन बैटरी की डिजाइन लिथियम आयन बैटरी जैसी ही होती है, दोनों केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। इन बैटरी में एनोड, कैथोड और सेपरेटर का इस्तेमाल होता है। सोडियम आयन बैटरी की बात करें तो इस तरह की बैटरी के कैथोड में लिथियम आयन की जगह सोडियम आयन इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलाइट में लिथियम की जगह सोडियम सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, पीरियोडिक टेबल में सोडियम लिथियम का पड़ोसी ही है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी ही होती हैं। सोडियम लिथियम के मुकाबले बहुतायत में है और सस्ता भी। सोडियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स भी अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इन बैटरी के लिए कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम या ग्रेफाइट जैसे मटेरियल्स की जरूरत नहीं होती। सोडियम आयन बैटरी ज्यादा इको फ्रेंडली होती हैं। ये अपेक्षाकृत रूप से जल्दी चार्ज भी हो जाती हैं। इनमें अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर काम करने की अच्छी क्षमता होती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सोडियम आयन बैटरी के बारे में पहले नहीं सोचा गया हो या फिर ये कोई नई खोज हो। दरअसल सोडियम आयन बैटरी के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि सोडियम आयन बैटरी में लो एनर्जी डेंसिटी की बड़ी दिक्कत है। इनका साइज बड़ा होता है, रेंज कम होती है। इस तकनीक से जुड़ी सप्लाई चेन में भी सुधार की जरूरत है, मगर लगातार विकसित हो रही तकनीक के दम पर इन दिक्कतों को दूर करने या कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर इस दिशा में कोई बड़ी सफलता मिलती तो ये बात साफ है कि फिर सोडियम आयन बैटरी ईवी मार्केट में गेम चेंजर साबित हो सकती है।